अच्छा जी, मैंने एक अलग फोल्डर्स के लिए बना लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी, ये पुराना वाला कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसी कंपैरिजन ऑपरेटर वाले फोल्डर के में ना एक कॉपी बना के उसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर ना हमारे पास तीन है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। तो सबसे पहले हम एंड वाले से शुरू करते हैं कि एंड वाला जो उसको हम बोलते हैं कि लॉजिकल एंड बोलते हैं उसको हम। सही है, लॉजिकल लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और इसका जो मतलब साइन होता है वो ये होता है एम परसेंट दो दफ़ा करके, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, राइट। अच्छा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जब हमें कंपाउंड वो लगाना होता है, कंडीशन लगानी होती है, तो इसमें हम बड़ा अहम किरदार होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि यार एक लेट टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 बंदे ने एंटर किया है। ठीक है, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने यूज़र से इनपुट ये लिया हुआ है। ठीक है, अभी 25 है, कल को कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 10, यार मतलब एक रेंज में बनाना चाह रहा हूँ, मैंने बोला भाई कि अगर टेम्परेचर इज़ लेस देन 26, ठीक है, एंड और टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 18 में भी, तो ये मैं 18 से लेके 26 तक का एक रेंज बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई कॉन्सोल डॉट लॉग वेदर लुक्स प्लेजेंट। सही है, PLEASENT होता है, पता नहीं क्या होती है स्पेलिंग। वेल, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं ना, क्विक फिक्स प्लेजेंट। तो अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है। ये हमने लॉजिकल एंड की एक एग्जांपल बनाकर देखी है। यहाँ पे हो रहा ये है कि जो टेम्परेचर है इसकी जगह पे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25, तो 25 लेस है 26 से, ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, अब ये एक्चुअली जब कोड यहाँ पहुँचेगा तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये मैं कोड आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके को हम कहते हैं ड्राई रन, कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको खुद से इमेजिन करना कि अच्छा यार इस तरह करके कोड इमेजिन होगा। ये 25 यहाँ पे भी आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू 25, उसके बाद 25 बड़ा है 18 से, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो अगर पहला वाला भी ट्रू हो एंड दूसरा वाला भी ट्रू हो, तो ये अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा आपको, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये हमारी इफ़ जो है वो चल पड़ेगी। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करके वापस उसको पहले जैसा बना देते हैं। अब यहाँ पे देखें ये कहाँ कहाँ तक जब टेम्प जाएगा तो ये सही चलेगा। अभी टेम्प इस वक्त 25 है, तो मेरे ख्याल है बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको वो कर देता हूँ, इस वाले को इस तरफ कर देता हूँ, इस वाले को इस तरफ कर देता हूँ। सही है, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब एक्चुअल वर्किंग में, लेकिन मैंने उसको मतलब 18 से लेके 26 तक के लिए मतलब इस तरह मैंने कर दिया, वरना पहले 26 से लेके 18 तक हो रहा था, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको स्वैप कर दिया, इस वाले को उधर कर दिया, उस वाले को उधर कर दिया। अच्छा, तो ये कहाँ तक सही चलेगा, जब टेम्परेचर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 18 से बड़ी होगी। जब 18 पे ये ट्रू नहीं करेगा, अगर यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पर अगर वैल्यू हो जाती है हमारी 18, तो 18 होने की सूरत में क्या होगा, यहाँ पे 18 आएगा तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, 18 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18, 18 इज़ इक्वल टू 18 नॉट ग्रेटर, तो यहाँ पे ये फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट इसको क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 19 पे जाके ये ट्रू होना शुरू होगा। ठीक हो गया, तो हमारी जो रेंज है वो 19 से स्टार्ट हो रही है, और 19 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है हमारी रेंज। अच्छा, 20 पे भी ये ट्रू रहेगा, 21 पे भी ट्रू रहेगा, अगर मैं यहाँ पे 22 लिख दूँ तो ये ऑब्वियसली 22 पे भी ट्रू रहेगा, और 22 पे ये भी ट्रू रहेगा कि भाई 22 छोटा है 26 बड़ा है, तो ये हमारी एक रेंज बनती जा रही है। और ये कहाँ तक ट्रू रहेगा, ये 25 तक ये ट्रू रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 25 होगा तो ऑब्वियसली 25 बड़ा है,
और यहाँ पर 25 होगा तो ऑब्वियसली 25 जो है वो छोटा है 26 से। लेकिन जैसे ही ये 26 होगा ना, पहला वाला तो ट्रू रहेगा, दूसरा वाला फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो रेंज यहाँ पे बनी है 25 तक बनी है। ठीक है, 19 से लेके 25 तक का अगर कोई वैल्यू होगी तो उस रेंज में ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, कंपाउंड कंडीशन लगाई है। ठीक है, हमने कंडीशन में एक से ज़्यादा बातों को बताया है। पहले हम ये करते थे भाई, टेम्परेचर अगर बड़ा हो 18 से दैट्स इट। ठीक है, हम ये करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब, हम ये कर रहे हैं कि हमने कंपाउंड कंडीशन यहाँ पर लगा दी है, एक से ज़्यादा कंडीशन। अच्छा, मैं एंड एंड करके मज़ीद भी 22 बहुत सारी कंडीशंस में लगा सकता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, कंपाउंड कंडीशन लगाने में हमारी हेल्प करता है। अब ज़रा हम एंड ऑपरेटर को ना थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर की ना एक कहलाती है ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब ये ट्रूथ टेबल क्या होती है, जैसा कि हम ये देख चुके हैं कि इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर को क्या मिलता है, दोनों तरफ ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर किस तरह के ऑपरेटर को कहते हैं, जिसको जिसको दोनों तरफ ऑपरेंड चाहिए होते हैं। ठीक है, नीड टू ऑपरेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जिसको दोनों तरफ अपने ऑपरेंड चाहिए होते हैं। जैसे प्लस और माइनस का जो साइन है हमारा, तो प्लस और माइनस का साइन हम किस तरह करके लिखते हैं, हम लिखेंगे टू और प्लस इसमें थ्री लगाएंगे ना। तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है, इसको इस तरफ भी ऑपरेंड चाहिए, इस तरफ भी ऑपरेंड चाहिए, उसके बगैर ये चलेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास माइनस का जो है, उसको भी दोनों तरफ चाहिए कि भाई टू माइनस थ्री हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बस मैं टू माइनस लिख दूँ, दिस इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, कुछ होते हैं यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे हमने लिखा ना ए प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है उसको सिर्फ एक तरफ ऑपरेंड मिला है, लेकिन ये सही चलता है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो है एंड का जो ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दोनों तरफ ऑपरेंड अपने चाहिए होते हैं, जब ही ये काम कर पाता है। अच्छा, दोनों तरफ जो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जैसे अगर हम प्लस के ऑपरेटर की दोबारा से बात करें, तो प्लस के ऑपरेटर को दोनों तरफ क्या चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है। अगर मैं प्लस के ऑपरेटर को नंबर के अलावा कुछ और दे दूँ, ठीक है, तो चलता तो ये है, लेकिन जाहिर है वो फिर डिफरेंट तरह से चलता है। तो अगर मुझे प्लस के ऑपरेटर से सम करवाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, दोनों तरफ नंबर ऑपरेटर चाहिए होगा। या अगर मैं माइनस के ऑपरेटर की बात करूँ, तो मुझे क्या चाहिए होता है, दोनों तरफ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूँ ये काम नहीं करेगा, तो इसको दोनों तरफ क्या चाहिए होता है, नंबर ही चाहिए होता है। इसी तरह हमारा जो ये एंड का ऑपरेटर है, इसको दोनों तरफ क्या चाहिए होता है, बूलियन चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ बूलियन एंड एंड, और दूसरी तरफ भी बूलियन। ठीक है, बूलियन ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ये बूलियन भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो हमारा जो एंड का ऑपरेटर है, उसको क्या चाहिए होता है, उसको बूलियन ही चाहिए होता है दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा, अब ये बिहेव कैसे करेगा, उसकी ये टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली ये बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अगर इसको एक तरफ ट्रू मिला और दूसरी तरफ भी इसको ट्रू मिला, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ट्रू। सही है, अच्छा, अब इसी की चार कॉपी बना लेता हूँ मैं, और वो चारों में बना लेता हूँ। सही है, चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि भाई पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और उसके बाद ये वाला फॉल्स, ये ट्रू। सही है, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक है, दो वेरिएबल में चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये सिर्फ जब दोनों तरफ ट्रू मिलता है ना, जब ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, बाकी तीनों पॉसिबिलिटी में क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। सही है, तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है। तो हमारे केस में इसको जब तक दोनों तरफ से ट्रू मिलेगा, जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक तरफ भी अगर उसको फॉल्स मिल गया, तो ये क्या करेगा, दोनों पूरे ओवरऑल कंडीशन को ये फॉल्स कर देता है। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ये वैसे मतलब याद करने वाली तो चीज़ नहीं है कोई, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि ये वाला भी एंड ये वाला भी, ये इसका मतलब है। तो नाम से ही जाहिर है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप चाहें तो ये फॉर द रेफरेंस आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रूथ टेबल आपको क्या हो जाएगा, आपको गूगल पे भी बहुत ईजिली मिल जाती है। अगर आप जाके लिखेंगे कि लॉजिकल एंड ट्रूथ टेबल, तो ये आपको
ईजली यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने 01 करके लिखा हुआ है, 01 या ट्रू फॉल्स बात एक ही है एक्चुअली। सही है। अच्छा, हर किसी ने थोड़ा अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से ये ट्रूथ टेबल बनाई हुई है। ठीक है, ये असल में एक सब्जेक्ट होता है DLD, तो ज़्यादातर जो इमेजेस है ना वो DLD से रिलेटेड आ गई हैं। DLD भी असल में लॉजिक्स पढ़ रहे होते हैं DLD में। ठीक है, यहाँ पे देखें ये DLD के सारे जो है ना वो आ गए हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है DLD वाला। ये जो एंड ऑपरेटर है ये आप देखें, दोनों तरफ जीरो है तो ज़ीरो, दोनों तरफ एक तरफ वन एक तरफ ज़ीरो तो भी ज़ीरो, तो भी ज़ीरो। जब दोनों तरफ इसको वन मिलता है जब ये वन रिटर्न करता है। ये वन मतलब ट्रू और ज़ीरो मतलब फॉल्स। ठीक है, ये 01 ट्रू फॉल्स ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद ये बात एक दफ़ा और भी। तो वन का मतलब होता है ट्रू और ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स या 01 ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी इसको कुछ किसी जगह पे कहा जाता है, किसी जगह पे इसको अर्थ और फेस कहा जाता है। ठीक है, किसी जगह पे इसको हाई और लो कहा जाता है। तो ये एक ही चीज़ है असल में जिसके अलग अलग नाम है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा इजीली गूगल पे भी। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हो गया एंड ऑपरेटर, जो एंड ऑपरेटर की जो ट्रूथ टेबल है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर इसको बूलियन के अलावा कुछ और मिला अगर, ठीक है, व्हाट अबाउट नॉन बूलियन ऑपरेंड्स। ठीक है, अगर इसको बूलियन के अलावा कुछ और मिला तो ये कैसे बिहेव करेगा, कोई बता सकता है ये? आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होगा, तो क्या कोई बता सकता है मुझे कि सर क्वेश्चन पर से बताएं? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक तरफ ट्रू और दूसरे तरफ भी ट्रू मिल रहा है ना, तो ये तो टेबल बन गई। अगर जस्ट इन केस इसको अगर नॉन बूलियन मिल जाए एक तरफ, या एक तरफ मतलब कार लिखा हुआ मिल जाए दूसरी तरफ, अगर कार पहले से एग्जिस्ट करता है देन वो अज्यूम करके हाँ ट्रू है कार एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया ना कि लेट कार इक्वल लेट से 5 और समथिंग जो भी होगा, तो फिर हाँ वो एक्सेप्ट करके हाँ ट्रू है। ये इसका अगर ऐसे कोई ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ना ये। तो ये एक्स एक्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ये, मतलब एक तरफ अगर इसको नॉन बूलियन मिल जाता है जस्ट इन केस। आई थिंक सो ट्रू होगा कि अगर ये स्ट्रिंग वैसे वैलिड है बूलियन सो दैट विल बी काउंटेड एज ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा आपके ख्याल में, राइट? अच्छा, इसी सिचुएशन को अगर मैं ये कर दूं कि मतलब यहाँ पे फॉल्स हो जाए और इधर पे यहाँ पे कार लिखा हुआ आ जाए, तो ये क्या करेगा? ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, सही तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। सर आई थिंक फॉल्स करेगा सर। अच्छा, ये ट्रू भी नहीं करेगा, ये फॉल्स भी नहीं करेगा, ये एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगा। सही है, जब इसको नॉन बूलियन वैल्यू मिलती है तो ये क्या करता है, वो वैल्यू रिटर्न करने लग जाता है। असल में ये ट्रूथ टेबल में भी इसी तरह कर रहा होता है, लेकिन ये तो समझाने के लिए बताते हैं। तो ये जो एंड का ऑपरेटर है ना, इसको जो लास्ट उसको मिलती है ना ट्रू वैल्यू, उसको ये रिटर्न करता है। तो हम ज़रा इसको देख भी लेते हैं, चला के भी देख लेते हैं। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाके ना एक इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ। इसको जो लास्ट ट्रू वैल्यू मिलती है ना, उसको ये रिटर्न कर रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो मैं भी चला के देखूँगा, क्योंकि ये जस्ट इन केस वाली चीज़ जो है ना, ये असल में ट्रू तो इसने रिटर्न किया है, लेकिन ये ट्रू इसने इसलिए नहीं रिटर्न किया कि ये दोनों तरफ इसको ट्रू मिला है। असल में लास्ट वाली ट्रू वैल्यू ये रिटर्न कर रहा होता है। अगर मैं ये सेकंड वाले को कॉपी करूँ ना, तो इसमें जो जो ट्रू है इसमें, पहला वाला तो ऑब्वियसली फॉल्स है, तो पहला वाला तो नहीं रिटर्न करने लगा ये। ठीक है, जो दूसरा वाला है जो है, ये ट्रूथी वैल्यू है ना, ट्रू या ट्रूथी वैल्यू एक ही बात है इसके लिए, तो ये सेकंड वाले को आई थिंक के ये रिटर्न करेगा। देखते हैं चला के। यार ये क्या कर रहा है,
अब दोनों तरफ अगर मैं इसको कार लिख दूं तो ओके अच्छा दोनों तरफ लिखते हैं फिर इसका बिहेवियर चेंज होता है, जब तक एक तरफ है वो उसको पार्स कर रहा है आई थिंक। ठीक है तो ये जस्ट इन केस वाली वैल्यू भी है, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको बाई द वे कौन सा कार कर रहा है, लास्ट वाला कर रहा है। ठीक है इसको बल्कि मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ। अच्छा तो हमने ये देखा कि अगर एक तरफ इसको नॉन बूलियन मिलता है तब इसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, दोनों तरफ नॉन बूलियन मिलेगा जब इसका बिहेवियर चेंज होता है, और वो बिहेवियर क्या होता है कि ये लास्ट जो ट्रू वैल्यू होती है ना वो रिटर्न करता है। ठीक है अच्छा अगर मैं इसको एक तरफ यहाँ पे फॉल्स दे दूँ अगर, ठीक है तो ये फॉल्स ही रह रहा है स्टिल, मतलब इस वाले को ये क्या कर ले रहा है, पार्स कर ले रहा है। तो हम यहाँ पे सिचुएशन समझ लेते हैं। ठीक है वन साइड नॉन बूलियन जब ये होगा तो ये क्या करेगा, पार्स इनटू बूलियन। ठीक है मिसाल के तौर पे ये कार इसको अगर मिला है नॉन बूलियन, दूसरी तरफ स्टिल बूलियन है, तो इसको ये क्या कर रहा है, पार्स कर ले रहा है। अच्छा कार को अगर बूलियन में पार्स किया जाएगा तो हम ये जानते हैं कि कार जो है वो फॉल्सी वैल्यू नहीं होती तो फिर ट्रू होता है, तो इसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है तो ये ट्रू बन जाएगा। अच्छा इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा इस तरफ एक तरफ फॉल्स आ गया तो दूसरी तरफ भले ट्रू भी रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है अच्छा अब यही चीज़ अगर दोनों साइड पे होती है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर अब बोथ साइड पे अगर नॉन बूलियन आ जाता है तो फिर इसका क्या हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे कार वन एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो कार टू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये कार टू रिटर्न करेगा, यानी कि लास्ट वाली जो ट्रू वैल्यू है ना वो रिटर्न करेगा ये। ठीक है और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, इधर एक तरफ मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया कि एक तरफ मैंने लगा दिया अनडिफाइंड, ठीक है पहला वाला अनडिफाइंड है और दूसरा वाला क्या है, कार है, तो ये जो लास्ट वाली जो भी इसको मिलेगी ना ट्रू वैल्यू वो इसको रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है अच्छा इस तरीके से ये यूज़ बहुत कम होता है, एंड ऑपरेटर इस तरह से बहुत कम यूज़ होता है, मतलब ना होने के बराबर है। मैंने आज तक एंड ऑपरेटर को इस तरह से यूज़ किया है एक्चुअली, ज़रूरत पड़ती है समटाइम हमें जब जब सारे यहाँ पे वैल्यूज़ ट्रू होती है ना तो जब ही ये उसको क्या करता है, सारी कंडीशंस जब ट्रू होती हैं या तो मतलब यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं लिख के बताता हूँ बोलिए। देखिए समटाइम ये होता है कि हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें चेक करना होता है, मिसाल के तौर पर यूज़र से हमने 4 इनपुट्स लिए हैं। ठीक है तो मैंने उसको बोला कि यार एक मैंने लिया नेम इससे तो नेम लगाता हूँ मैं, एंड एंड लगाता हूँ। ठीक है दूसरा मैंने लिया इससे ईमेल, ठीक है एंड एंड सही है, फिर उससे मैंने पासवर्ड लिया एंड एंड साथ में लगाया। ठीक है तो अब होगा क्या, अब लास्ट में मैं इसके कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है लास्ट में मैं इसकी कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई पासवर्ड जो है वो इक्वल्स इक्वल्स हो जाता है किसके, नेम के। ठीक है लास्ट में मैं अब इस पे मैं कोई काम करवा रहा हूँ कि भाई पहले तो तीनों तीनों चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबल, फिर इसको चेक करो कि यार ये मतलब अंदर क्या हो रहा है। तो या समटाइम ये होता है कि भाई ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इन ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो जब ही आप बोलोगे कि कॉन्सोल डॉट लॉग के भाई ऑल वैल्यूज़ प्रेजेंट। ठीक है तो इस तरह से भी एंड ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है कि भाई अगर पहला वाला अगर अनडिफाइन हो गया ना तो ये पूरे इफ को फॉल्स करवा देगा ना, मतलब कोई भी एक अगर अनडिफाइन हो गया तो ये फिर आगे वाले को चेक नहीं करता, ये अनडिफाइन कर देता है। मैंने यहाँ पे भी ये गलत लिखा है, इसको भी हम ज़रा कोई एक अगर अनडिफाइन हो गया तो अल्टीमेटली वो फॉल्स हो जाता है ना पूरा, तो ये एग्जैक्टली क्या रिटर्न करेगा ये हम चला के देख लेते हैं। इसको अनडिफाइन कर दिया इसने, सही है अगर कोई एक भी अनडिफाइन होता है तो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है जी तो ये हमने क्या कर लिया, एक छोटी सी एग्जांपल भी इसकी करके देख ली। ठीक है
तो एक तो हमने कंपाउंड इसका वो चेक कर लिया कि भाई कंपाउंड कंडीशन होती है उसके साथ लग जाता है ये। दूसरा हमने ये देख लिया कि यार कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसके लिए भी हम एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑर के ऊपर। अच्छा, लॉजिकल ऑर जो है ना, वो सब कुछ उसमें यही है, लेकिन उसका एक तो नाम है लॉजिकल ऑर, उसका जो साइन है वो पाइप साइन है दो दफ़ा। ठीक है, पाइप साइन कौन सा वाला होता है? जो आपके कीबोर्ड में एंटर के बटन के साथ एक बटन होता है, मैं कीबोर्ड इमेजेस हाँ, ये वाला जो बटन है ना, ये वाला जिस बटन पे बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसी बटन को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये पाइप साइन आ जाता है। ठीक है, एंटर के साथ आमतौर पर ये बटन पाया जाता है, और सम टाइम ये एंटर के ऊपर भी पाया जाता है कुछ कीबोर्ड्स में। ठीक है, जिसमें जिस वाले में बैकवर्ड स्लैश बना हुआ है उसी के ऊपर बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें देखें पूरा पाइप इन्होंने बनाया हुआ है, दूसरे कीबोर्ड में इन्होंने हाफ हाफ करके ना दो लकीर मारी हुई है, तो ये दोनों एक ही है एक्चुअली। ठीक है, इसको लिखने का अंदाज़ इन्होंने कीबोर्ड पे अलग किया हुआ है, लेकिन जब आप VS कोड में लिखेंगे तो ये इसी तरह से ही दिखेगा। ठीक है, VS कोड में ये ऐसे पूरा ही दिखेगा। ये मेरे कीबोर्ड में भी पूरा पाइप बना हुआ है वैसे फिजिकली, वो दो लाइनों वाला ना पुराने कीबोर्ड्स में हुआ करता था, लेकिन वो है एक्चुअली एक ही, अलग नहीं है वो। अच्छा, लॉजिकल और भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसको भी दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो इसकी जो है वो अपोजिट है। ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। इसकी ट्रूथ टेबल का चक्कर ये है कि जब दोनों तरफ ट्रू मिलेगा तब भी ट्रू है, कोई एक ट्रू हो जाए तो भी ट्रू है ये। सही है, यहाँ पे भी कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। सही है, जब दोनों तरफ फॉल्स होगा तब जाके ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये भाई लॉजिकल और का हमारे पास हो गया वो। ठीक है, इसमें क्या होता है आमतौर पे, जैसे इसमें मैंने बोला ना कि यार ये भी ट्रू हो वैल्यू और ये भी ट्रू हो तो बताना कि वेदर लुक प्रेजेंट, मतलब एक रेंज हो गई है कि 18 से लेके 26 तक। इसमें मैं बोलता हूँ कि यार कोई एक भी चीज़ ट्रू हो जाए ना तो भी आप बोल देना कि भाई, मिसाल के तौर पे मैं ये उसको बोल देता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे भी मैं एक टेम्प के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, टेम्प इक्वल टू 25। सही है, तो अब मैं क्या बोलता हूँ इसको कि भाई अगर टेम्प जो है अगर छोटा हो जाए 1 से, ठीक है, छोटा हो जाए 1 से, और टेम्प अगर बड़ा हो जाए 40 से, तो आप क्या बोल दो? वेदर इज रस्ट वर्स वर्स की स्पेलिंग, स्पेलिंग में बड़ा वीक हूँ मैं। अच्छा, WORST वर्स। तो अच्छा देखो, अब क्या होगा, टेम्परेचर अगर 1 से नीचे चला गया, मतलब 0 हो गया ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है, मतलब 0 डिग्री पे पानी जमना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता फिर। ठीक है, अच्छा, और 1 से अगर नीचे चला जाए, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी वेदर तो वर्स यहीं हो गया, और दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, या टेम्परेचर अगर बड़ा हो जाए 40 से, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों कंडीशन एक वक्त में तो ट्रू हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि टेम्परेचर या तो 0 से नीचे होगा या तो 40 से ऊपर होगा। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए, अगर कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो मैं बोलूँगा भाई वेदर जो है आपका बहुत बुरा चल रहा है अभी। ठीक है, 40 से ऊपर है तो बहुत गर्मी है, और 1 से नीचे है तो बहुत सर्दी है। तो हमारे पास ये लॉजिकल और ऑपरेटर की एक एग्जांपल मैंने आपको बनाकर बता दी। अच्छा, इसमें भी अगर जो है ना नॉन बूलियन अगर आ जाए तो क्या होता है भाई हमारे पास, नॉन बूलियन ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ भाई लेट पोर्ट इक्वल्स टू, और मैं बोलता हूँ भाई वेरिएबल से उठा लो या एक फिक्स नंबर दे दो। तो मैंने कहा कि भाई पोर्ट और 3000, ठीक है, लाइक दिस।
अब होगा क्या कि ये जो मैंने लगाया ना और का ऑपरेटर बीच में, तो अगर इसमें वैल्यू मिल गई इसको तो यही वाली रिटर्न कर देगा, इसमें वैल्यू नहीं मिली तो ये रिटर्न कर देगा, ऐसे करके होता है इसमें। ठीक है, वाट फर्स्ट ट्रू वैल्यू, ठीक है, विल रिटर्न फर्स्ट ट्रू वैल्यू, RETUR। ठीक है, अगर ये ट्रू मिल गई इसको तो ये रिटर्न कर देगा, ये ट्रू मिल गई तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, दोनों में से जो भी ट्रू पहले मिल गया वो इधर जाके सेव हो जाएगा। तो ये हमने नॉन बूलियन का इसका भी देख लिया कि अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास तौर पे सर्वर हम थोड़ा बहुत लिखना सीखेंगे इस क्लास में भी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इस तरह से ये वो यूज़ हो रहा होगा और वाला ऑपरेटर। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी आमतौर पर यूज़ करते हैं कि भाई अभी हमने नॉट का ऑपरेटर पढ़ना है, वो भी हम देख लेते हैं इसमें ज़रा। जैसे मैंने तीन वैल्यूज़ अगर लिए ना, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल करके देखी थी कि भाई ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं और के ऑपरेटर से भी चेक कर सकता हूँ इसी तरह से ना। और वो और के ऑपरेटर से कैसे चेक होता है, वो ऐसे होता है कि मैं बोलूँगा भाई कि नॉट नेम। अच्छा, ये नॉट का ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ लेते हैं। नॉट का जो ऑपरेटर होता है ना, वो क्या करता है, अपोजिट कर देता है, जो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देता है। तो अब यहाँ पे नेम अगर मिलेगा ना, अगर नेम बंदे ने दिया होगा तो जाहिर है वो स्ट्रिंग में होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो अनडिफाइन होगा। ठीक है, इस तरह से होगा ना। तो अगर अनडिफाइन होगा ही तो नॉट लगते ही क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइन एक फॉल्सी वैल्यू, वो ट्रू हो जाएगा। और अगर बंदे ने नेम दिया होगा तो वो एक स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग पे जैसे ही नॉट लगेगा वो स्ट्रिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है, अपोज कर देता है उसको। ठीक है, अपोज करना या नाइगेट कर देता है, इसके अलग अलग नाम इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग टर्म्स, कि उसको अपोज कर देता है या नाइगेट कर देता है या नॉट, लॉजिकल नॉट इसको कहा जाता है वैसे। तो मैंने बोला कि अगर नॉट नेम या नॉट ईमेल या नॉट पासवर्ड, कोई भी एक चीज़ अगर नॉट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। ठीक है, कह सकता हूँ मैं ये कि इनमें से कोई एक भी नॉट हो गया अगर, तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी मेरे हिसाब से, तो अब इसमें से कोई एक भी नॉट हो गया तो रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या हो गया, मिसिंग हो गया। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि यार और का जो ऑपरेटर होता है उसको भी कंपाउंड कंडीशन चेकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा उसको नॉन बूलियन के साथ भी इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ज़रा पढ़ लेते हैं कि भाई लॉजिकल नॉट का क्या चक्कर है। अच्छा, लॉजिकल नॉट का जो ऑपरेटर जो है वो एक्सक्लेमिनेशन मार्क है। एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो है वो आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होता है, ये जो ESC का बटन है इसके करीब होता है, ये वन के ऊपर है, जिस कीबोर्ड में जिस बटन पे वन लिखा हुआ है उस पे है ये। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आप वन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आपको ये लिखा हुआ जाएगा नॉट। ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये यूनरी ऑपरेटर है। इसको एक साइड जो है ना ऑपरेटर मिल जाए, ऑपरेंड मिल जाए, तो भी नीड ओनली वन ऑपरेंड, ऐसा नहीं लगेगा, फिर ऑपरेंड हो जाएगा ये। अच्छा, ट्रूथ टेबल जो इसकी है वो किस तरह से होगी कि अगर मैंने नॉट लगाया ट्रू पे तो इट विल प्रोड्यूस फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू पे मैंने नॉट लगाया तो वो फॉल्स बन जाएगा, और अगर फॉल्स पे मैंने नॉट लगाया तो वो ट्रू बन जाएगा। ठीक है, मैंने फॉल्स के ऊपर नॉट लगाया तो वो ट्रू बन जाएगा, ये है इसका। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल सी इसकी ट्रूथ टेबल है, क्योंकि इसमें ऑपरेट, इसमें एक वेरिएबल है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अच्छा, नॉन बूलियन ऑपरेटर इसमें कैसे काम कर रहा होगा, नॉन बूलियन जो है वो इसमें ऐसे काम कर रहा होगा कि नॉट जो है ना, अगर मैंने किसी स्ट्रिंग पे लगाया हुआ है,
कार पे लगाया हुआ है, तो इट विल नाइगेट उसको, ये क्या बना देगा, ये ट्रू था उसको फॉल्स बना देगा, ठीक है। अगर मैं कार के ऊपर नॉट लगाता हूँ तो ये उसको फॉल्स बना देगा, ठीक है। इसको हम चला के भी देख लेते हैं कि कार पे अगर मैं नॉट लगाता हूँ तो ये उसको कैसे चला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने नॉट लगाया हुआ है और उसके साथ एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हुआ है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, अगर खाली स्ट्रिंग जो फॉल्स ही वैल्यू होता है, तो आप देखें अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लिखता हूँ ना जब, तो ये ट्रू है, जैसे ही मैं कोई बात लिखता हूँ फिर फॉल्स होता है, तो ये नाइगेट कर रहा है इसको, ठीक है। या कोई नंबर अगर मैं लगा दूँ, नॉट फाइव लगा दूँ, तो फाइव क्योंकि ट्रूथ ही वैल्यू है तो उसको ये फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ज़ीरो को ये ट्रू कर देगा क्योंकि ज़ीरो फॉल्स ही होता है, ठीक है जी। तो ये तीनों मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर नॉट लगाऊंगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स ही वैल्यू होती है। अगर इसके साथ मैं लगाऊंगा फाइव तो ये उसको सॉरी इसको भी फॉल्स करेगा, फाइव को ना, फाइव ट्रूथ ही है उसको फॉल्स करेगा, और अगर मैं ये लगाऊंगा ज़ीरो के साथ तब ये उसको ट्रू कर देगा, क्योंकि ये नाइगेट कर रहा है उसको, ठीक है। तो जो भी चीज़ फॉल्स ही होगी या फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा, और जो भी चीज़ ट्रूथ ही होगी या ट्रू होगा उसको ये फॉल्स कर देगा, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नॉट की एग्जांपल हमने यहीं पे कर ली थी, सही है। सबसे ज़्यादा नॉट इस तरह से ही यूज़ हो रहा होता है आमतौर पे ना, तो बल्कि एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ इसकी। मैंने कहा कि लेट इज़ लाइट ऑन, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है कि भाई क्या लाइट ऑन है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं करूँगा ना टॉगल ऑन ऑफ, टॉगल लाइट, ठीक है, तो टॉगल लाइट में मैं आमतौर पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को जो है ना इज लाइट ऑन इक्वल्स टू नॉट इज लाइट ऑन ऐसे करके, तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये टॉगल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको सिंपल सर, टॉगल मीन मतलब जो उसको अपोज करना। मैं आपको अभी टॉगल, ठीक है सर। हाँ, जैसे आप जो लैपटॉप का आपका पावर बटन है ना, उसकी मिसाल लें आप, उससे क्या होता है, लैपटॉप का पावर बटन जब आप दबाते हैं, अगर लैपटॉप ऑफ है तो वो ऑन हो जाता है, और अगर ऑन है तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये मोबाइल फ़ोन का जो पावर बटन है, अब पता नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे या इसने फ़िल्टर कर दिया, सही है। अब ये जो पावर बटन है, अभी देखें स्क्रीन ऑन है ना, तो मैं पावर बटन दबाऊंगा स्क्रीन ऑफ हो गई, और अब ऑफ है तो अब दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा। तो ये दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टॉगल, कि भाई ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। तो कुछ लाइट के बटन भी आजकल जो स्मार्ट बल्ब हैं वो इसी तरह आ रहे हैं कि आपके पास वो टच वाले लोगों ने टच वाला, वैसे मेक सेंस नहीं बनता मुझे, तो वो टच की आदत नहीं है ना, तो टच देखना पड़ता है। ऑन अदर एंड ये जो बगैर टच वाला है, इसमें तो अंधेरा भी हो ना, तो आप फील करके उसको आप क्लिक करके दबा देते हैं, तो लेकिन वो टच वाला जो, उसमें यही होता है कि आप वो एक बार प्रेस करते हैं आप तो रेड हो जाता है, दूसरी बार प्रेस करते हैं आप तो वो जो है ना ब्लू हो जाता है, ठीक है। टच फोर गैंग, वो दिखा देता हूँ मैं आपको कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल जो है ना इस तरह के वो लोगों ने स्विच बोर्ड लगाना शुरू कर दिए घर में अपने, दीवार में लगा हुआ नहीं दिख रहा कहीं, प्रॉपर फील देता है, वरना दीवार में लगे हुए की फ़ोटो नहीं आ रही कहीं। अभी इसमें मसला ये होता है कि चार इसमें बने हुए होते हैं, अब आप वो टच करो दबाना कुछ और होता है, दबता कुछ और ही है, तो यूज़र एक्सपीरियंस इसका बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन ये टॉगल वाला फिनोमेना इसके अंदर है कि वो एक बार टच करो तो ऑफ होता है, एक बार टच करो तो ऑन होता है। इसमें एक बड़ा अच्छा इन्होंने निकाला है, ये वाला, ये मैंने फिज़िकली देखा तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि ये प्रेस होता है पूरा ना, ये पूरा बटन प्रेस होता है अंदर की तरफ, ये टच वाला नहीं है सिर्फ। वेल, तो ये भाई आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट आ रही है, और सम टाइम जो है वो
आसानी भी पैदा करती है आपके लिए एडवांसमेंट, और सम टाइम आपके लिए मुश्किलात भी पैदा करती है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि आज के हम टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आगे क्या टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं। हाँ, आगे हमारा है फॉर लूप, तो अगली क्लास में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अच्छा, असाइनमेंट आपको मैं एक दे देता हूँ जाते जाते। आपने जो लास्ट टाइम जो ग्रेड वाला बनाया था ना, ग्रेड वाला जो असाइनमेंट बनाया था आपने, वो आपको बनाना है लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे देखें रेंज सेट की है ना, कि भाई अगर टेम्परेचर 18 हो और 18 से बड़ा हो और 26 से छोटा हो, ठीक है, यानी कि 19 से लेके 25 तक अगर हो, तो क्या करो, एक बात यहाँ पे मेंशन कर दो। तो आपने जो ग्रेड वाला असाइनमेंट है ना, वो इस लॉजिकल ऑपरेटर के साथ बनाना है। जो पहले बनाया था वो भी सही तरीका है, दैट इज़ नॉट बैड। तो अब इसके साथ भी उसको बनाना है, ठीक है, और उसी उसी फोल्डर को कॉपी कर लीजिएगा, एक नया नई रिपॉजिटरी बना लीजिएगा github.com पे, और उसमें उसको पुश कर दीजिएगा। उसी कोड में बस आपने 2 से 3 लाइनें चेंज करनी है, जो आपकी जो कंडीशन वाली है, और वो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल एंड के साथ बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला कोड मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है, आई होप के सब लोगों के पास क्लास का जो कोड है ये वाला, उसका एक्सेस है। अगर जस्ट इन केस किसी के पास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने गूगल पे जाके लिखना है इंजमाम मलिक गिटहब एंटर, और ये मेरे गिटहब का यहाँ पे लिंक आ गया। अच्छा, मेरा एक पुराना अकाउंट था वो, जिसका लिंक ये वाला है जो टॉप पे आता है, अगर इस पे आप जाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, वो शो कर रहा होता है कि भाई ये नया लिंक यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप लेकिन डायरेक्ट यहाँ से भी नए वाले लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। रिपॉजिटरीज़ में जाएंगे आप, रिपॉजिटरीज़ में जाने के बाद ये जो batch 3 लिखा हुआ है, ये आपकी रिपॉजिटरी है। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये तमाम का तमाम कोड ये रहा, JavaScript ES6। ठीक है, हमारे पास जैसे फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, सेम वैसे ही फोल्डर यहाँ पे भी बना हुआ नज़र आएगा। ये सारा का सारा कोड है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 के बाद जो है ना, पता नहीं 9 इसमें शायद मैंने मिस कर दिया था, तो वो 10 11 12, अब वो ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ये उसको डिक्शनरी ऑर्डर में इसने सॉर्ट किया हुआ है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो 10 ऊपर चला गया पलट के। ठीक है, अगर मैं इसको 0 1 0 2 0 3 रखता ना, तो फिर ये नहीं जाता, लेकिन वेल बल्कि यार ये मैं अभी कर देता हूँ हाथ के। अच्छा, वो मुझे ये नज़र आ गया, डिक्शनरी ऑर्डर में ना मसला है उसके साथ। सही है, मैंने ऐसे कर दिया, रीनेम और सिंक। ठीक है जी, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये सीधा हो चुका है। ठीक है भाई, ये सीधा कर दिया मैंने आपके लिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और असाइनमेंट जो है वो आज रात तक ही आप सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर, स्क्रीन शेयर करनी थी सर। जी प्लीज़ कर दें। हो गई सर। जी हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर, लोड हो रही है अभी। अच्छा जी, हो गई सर। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सर, ये टर्नरी ऑपरेटर बनाया था सर, ठीक है। इसमें सर वो एक कंडीशन रखी थी 15 साल की सर, ठीक है, अगर एज 15 साल से ऊपर होगा तो वो टी और कॉफी लेगा, और उससे नीचे होगा तो वो मिल्क और जूस लेगा। ठीक है यार, वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा, लेकिन सर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा सर। ये एक एरर भी आ रहा है, और सर ये मिल्क और जूस पहले ही लिखा आ रहा है सर इसमें। कंडीशन इज नॉट डिफाइंड, वापस जाएं कोड में। अच्छा, ये इस वजह से हो रहा है कि आपने जो है ना ऊपर फॉर्म जो बनाया हुआ है, फॉर्म सबमिट होने पे सर, आपने कहा है कि कंडीशन चेक के नाम से एक फंक्शन होगा वो चलेगा। ठीक है, कंडीशन चेक के नाम से ये फंक्शन आपने कहा है कि फॉर्म सबमिट होने पे चलेगा, लेकिन वो फंक्शन नीचे बना हुआ ही नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ये जो तमाम का तमाम लाइन नंबर 19 से लेके लाइन नंबर 21 तक का जो 3 लाइन का कोड है, ये इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए था। अगर ये फंक्शन के अंदर होता ना तो फिर ये चलता उसके क्लिक पे, फॉर्म के सबमिट होने पे। लेकिन अभी चूंकि ये बाहर लिखा हुआ है तो ये शुरू में ही चल जाता है, ये वाला चक्कर है। तो आप ज़रा वो इनपुट आउटपुट इसको वाली सर जो, उठा के फॉर्म के अंदर रख दूँ सर? फॉर्म के अंदर नहीं रखें आप, ये इनपुट आउटपुट जो हमने लेना सीखा था ना जिस क्लास में, वो वाली आप, सर वो वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको चेक करूंगा सर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर हाँ लेंगे सर। चले जी, फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।